चंपई सोरेन पर सस्पेंस खत्म हो गया है। चंपई सोरेन अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम के लिए ये एक बड़ा झटका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कंफर्म किया है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि सोरेन 30 अगस्त को रांची में पार्टी में शामिल होंगे। सरमा यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सोरेन की मुलाकात की एक तस्वीर भी पोस्ट करते नजर आए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी शर्मा भी बैठक में शामिल थे। हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के दिग्गज आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। वह 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं चंपई सोरेन ने खुद बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों की पुष्टि कर दी है। उन्होंने आज मीडिया को संबोधित करते हुए बता दिया कि आखिर वह बीजेपी क्यों ज्वाइन करने जा रहे हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि जब मैं 18 अगस्त को आया था तो मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। चंपई सोरेन ने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा या नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन समय कम रहने के कारण ऐसा नहीं कर सका। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ गया और फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि जनता ने भी इसके लिए हमें समर्थन दिया है। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि सोरेन ने पार्टी नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था और घोषणा की थी कि वे जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में फैसला करेंगे। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने ही मुख्यमंत्री बन पार्टी और झारखंड की कमान संभाली थी। हेमंत के जेल से बाहर आते ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा था कि वह राजनीति नहीं छोड़ेंगे और नया सियासी दल बनाने का विकल्प उनके लिए हमेशा खुला है। चंपई सोरेन ने कहा था कि वह झामुमो नेताओं के हाथों अपमान का सामना करने के बाद अपनी योजनाओं पर अडिग हैं। खैर, मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारे जाने के बाद से ही चंपई सोरेन पूरी तरह से नाराज चल रहे थे। उन्होंने दूसरी वजह बताकर बगावत करनी शुरू कर दी, इसलिए उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर सारी बातों को सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद पूरे झारखंड की सियासत में सियासी भूचाल आ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लाखों की संख्या में उनके समर्थक उनके हर कार्यक्रम में उनके साथ खड़े नजर आए।